नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, स्पेशली उन जानकारियों के बारे में जो गलत है और सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। तो पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पूछ रहे हैं, क्या शराब पीने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है और कोई दवा भी नहीं है। ऐसे घरेलू नुस्खे भी नहीं है जो हमें पता हो और जो काम करे। शराब पीने से वैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो दोस्तों शराब तो बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको बाकी इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। शराब आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, क्या चिकन मटन अंडा खाने से कोरोना वायरस फैल सकता है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। खाने पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन या किसी के खांसने छींकने से या किसी सरफेस पर उन्होंने टच किया हो, वहाँ से वायरस ये किसी दूसरे को हो सकता है। खाने पीने से बिल्कुल भी ये वायरस नहीं होता है। इनफेक्ट आपको तो ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं और आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। और चिकन मटन अंडा खाने से आपको कोई भी कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या विटामिन सी खाने से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? दोस्तों, विटामिन सी का रोल कॉमन कोल्ड फ्लू को बचाने के लिए बहुत ही डिबेटेबल है, और ये पता नहीं है कि ये कितना हेल्प करता है। काफी स्टडीज ने भी ये दिखाया है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता, स्पेशली कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो कि एक नया इन्फेक्शन है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बढ़ सकती है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के अगेंस्ट कुछ है नहीं। तो इससे आपको किस हद तक फायदा होगा, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जितना हो सके अगले 2 हफ्ते तक सबको घर पर रहना चाहिए। अगर उन्हें हल्के से भी सिम्टम्स हैं तो उन्हें क्वारंटीन होना चाहिए, और जो हेल्दी हैं उन्हें भी घर पर रहना चाहिए। तभी बाहर निकलना चाहिए जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, कोई दवाई लेनी हो या कोई भी क्रिटिकल बीमारी हो, तभी आपको बाहर निकलना चाहिए। अदरवाइज आप कोशिश करें कि आप घर पर ही रहें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज नहीं करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी नहीं जाना चाहिए। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस स्टेज पर हम ये सब बातें करते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, तो एक हद तक हम इसको रोक सकते हैं फैलने से। तो दोस्तों, अगर हम थर्ड स्टेज पर चले गए तो बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत लोग बीमार हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, बिल्कुल 2 हफ्ते के लिए अंदर रहें, बहुत इम्पोर्टेंट है तो ही बाहर निकलें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।